नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। चीन चोर की तरह दुनिया के गरीब देशों को कर्ज बांटता है, फिर उस देश पर कब्जा कर लेता है। चीन की इस चालाकी को कई देश समझ गए। वो देश चीन के विरोध में खड़े होने लगे और अपने देश से चीन को निकाल भी रहे। लेकिन भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान आजकल चीन का बहुत खास हुआ पड़ा है। दोस्ती के नाम पर चीन पाकिस्तान को लूट रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर की लागत से चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर CPEC के तहत चीनी कंपनियां खूब मुनाफा कमाने में लगी हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बिजली के बढ़ते दाम की जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के तहत चीनी कंपनियों के भ्रष्टाचार से पर्दा उठाया। CPEC में पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार ने पाकिस्तान को अरबों रुपए का चूना लगाया। पाकिस्तान की कमिटी फॉर पावर सेक्टर ऑडिट सर्कुलर डेट रिजर्वेशन एंड फ्यूचर रोडमैप ने 278 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में अनियमितताओं की वजह से 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें से एक तिहाई नुकसान चीनी परियोजनाओं में हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि CPEC के तहत हुनेंग शानडोंग रुई एनर्जी और कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड कोल प्लांट्स ने अपनी लागत बहुत ज्यादा रखी। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के 2 कोयले आधारित प्लांट के लिए करीब 32.46 अरब रुपए की अतिरिक्त लागत को मंजूरी दी गई थी। चीनी कंपनियों के निर्माण कार्य जारी होने के दौरान 48 महीनों के लिए ब्याज की दरों में छूट की अनुमति दी गई थी, लेकिन असल में प्लांट का पूरा काम 27 से 29 महीनों में ही हो चुका था। इससे कंपनियों को अतिरिक्त भुगतान मिलता रहा। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए के 6% सालाना अवमूल्यन को देखते हुए ये मुनाफा और बढ़ जाता है। चीनी कंपनी HSR ने निर्माण कार्य के दौरान मिलने वाली लंबी अवधि का लोन लिया था। हालांकि पहले साल इसने कोई धनराशि उधार नहीं ली और दूसरे साल कम ब्याज दर वाले छोटी अवधि के ही लोन से अपना काम चलाया। कमेटी ने जिन 2 प्रोजेक्ट की जाँच की है, लॉन्चिंग के वक्त उनकी लागत 3.8 अरब डॉलर थी। कमेटी ने पाया कि कंपनियों को 483 अरब रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया, जो मौजूदा विनिमय दर से 3 अरब डॉलर की रकम के बराबर है। समिति ने सुझाव दिया है कि पाकिस्तान की सरकार चीनी कंपनियों पर अतिरिक्त भुगतान की वापसी के लिए दबाव डाले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की बिजली उत्पादन करने वाली 16 कंपनियों ने 60 अरब रुपए का निवेश किया और पिछले 2-3 सालों में ही 400 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बताते चलें कि चीनी कंपनियों को बिना किसी घोटाले के बैठे बिठाए ही इतना ज्यादा मुनाफा हो चुका है कि इसकी कल्पना करना ही मुश्किल है। 62 अरब डॉलर की CPEC की परियोजना में चीन को कितना फायदा होने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि चीन पाकिस्तान और इमरान खान को कैसे लूट रहा है और कैसे पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है।